जी, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक लेक्चर में। आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक नई सीरीज है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर वैलीज, द इम्पोर्टेंट लोकेशंस दैट आर ऑफन डिस्कस्ड इन द न्यूज। न्यूज़पेपर में अलग अलग लोकेशंस की अलग अलग बार क्लिपिंग्स आती ही रहती है। देर आर रिवर्स, देर आर रिवर वैलीज, देर आर अदर टेरिटोरियल आर्टिकल्स विच आर ऑफन शोकास्ट इन द हिंदू न्यूज़पेपर। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव क्रिएटेड अ लिटिल स्पेशल सीरीज फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2024, दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2022, प्लीज स्किप दिस लेक्चर एंड फोकस ऑन योर रिविजन, बिकॉज हार्डली 6 to 7 days आर लेफ्ट। तो अभी यू शुड नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू एट दिस टाइम। सो जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन। बट इफ यू आर प्रीलिम्स 2023 और 24 एस्पिरेंट, दिस लेक्चर सीरीज इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। Before we move ahead, here's a small announcement for all of you. Unacademy price hike of up to 20% is coming on 31st May at 11:59 PM. So May 31st ko raat ko 11:59 PM, एग्जैक्ट 11:59 PM पर आपका प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी प्लस पर, यानी कि सब्सक्रिप्शन प्राइसेस ऑफ द सब्सक्रिप्शन विल गो अप टू 20%। सो मेक श्योर दैट यू टेक योर सब्सक्रिप्शन बिफोर दैट एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अर्पिता10 सो दैट यू कैन गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। आपके सब्सक्रिप्शन पर इजिली आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो अर्पिता10। सो हरी अप, सब्सक्राइब नाउ, बिकॉज ऑन अनअकैडमी प्लस न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फॉर 2023 एंड 24 एस्पिरेंट्स। Plus, we have also introduced dedicated doubt solving session. हमने doubt solving session भी introduce करवाया है Unacademy पर, जिसके अंदर आपके लिए real time doubt solve किए जाएंगे, sessions रखे जाएंगे with the help of the educators on Unacademy Plus. All your doubts related to any topic or subject will be solved on Unacademy Plus. So make sure that you take your subscription before that, because एक्स बाजूराम टीचर्स आर अगेन नाउ एट अनअकैडमी, यानी कि जितने भी ऑफलाइन कोचिंग्स के दिल्ली में जो टीचर्स हैं वो आपके अनअकैडमी प्लस पर आ चुके हैं। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स और इन दिल्ली, सो यू कैन डू सो एट द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस ओनली। आप अपने घर के कम्फर्ट में ही दिल्ली की राजेंद्र नगर की जो स्ट्रीट्स पर तैयारी करवाई जाती है कोचिंग सेंटर्स में, आप वैसी तैयारी अपने घर पर बैठ कर सकते हैं अनअकैडमी की मदद से। ठीक है, तो यूज करना मत भूलिएगा अर्पिता10 कोड और May 31st से पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द श्योक रिवर, व्हाई इट इज इन न्यूज, इन न्यूज में क्यों है श्योक रिवर? श्योक रिवर इज आल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। श्योक मींस ग्रीफ, ओके? सो श्योक रिवर इज आल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ एंड बिकॉज ऑफ इट्स पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न ऑफ फ्लोइंग, इट्स नेम्ड एज द रिवर ऑफ डेथ। एंड अभी रिसेंटली 7 आर्मी पर्सनल वर किल्ड व्हेन अ बस विद 26 ऑफ देम ऑन बोर्ड स्काइडेड ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द श्योक रिवर। नाउ श्योक रिवर जो में है, मतलब क्या हुआ इस एरिया में, एक बस जा रही थी आर्मी सोल्जर्स की, 26 सोल्जर्स थे ऑन बोर्ड, उसमें से 7, वो जो बस है वो श्योक रिवर में गिरती है और उसमें से 26 में से 7 सोल्जर्स आर ऑलरेडी डेड। हियर यू कैन सी दी पैटर्न ऑफ श्योक रिवर। यहाँ आप देखोगे दिस इज द श्योक रिवर एंड इसकी राइट बैंक टेरिटरी है नुब्रा रिवर एंड दिस इज द नुब्रा वैली। ओके, तो श्योक रिवर नुब्रा वैली में है एंड नुब्रा रिवर इज द राइट बैंक टेरिटरी ऑफ श्योक रिवर एंड श्योक रिवर इज यू कैन से अ टेरिटरी ऑफ इंदस रिवर। ओके, इंदस रिवर सिस्टम यू मस्ट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी इन एनसीईआरटी। सो इंदस रिवर सिस्टम वी हैव द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर एज श्योक रिवर। इट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न लद्दाख रीजन, एज यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, दिस इज द इंदस रिवर। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू द लद्दाख रीजन एंड इट एंटर्स इन टू गिलजित बाल्तिस्तान विच इज हैंडल्ड और एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान। एंड श्योक रिवर ओरिजिनेट्स एट द रिमो ग्लेशियर। वॉट इज रिमो ग्लेशियर? रिमो ग्लेशियर इज पार्ट ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर का ही पार्ट है, एक हिस्सा है, और वहीं से ओरिजिनेट करती है श्योक रिवर। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन योर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन? द क्वेश्चन कैन बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। इंदस रिवर की इसमें से मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। द ऑप्शंस आर बेस, सतलुज, घटप्रभा, झेलम, चेनाब। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो इसमें से आपको करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है। नाउ वी नो दैट इंदस रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस, व्हाट इज इट, कौन सी है वो, जल्दी से बताओ। इट इज चेनाब। चेनाब इज द, राइट इट डाउन, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस।
ठीक है, ऑफ इन दिस रिवर। सो ये तो होना ही चाहिए, ई तो पार्ट होना चाहिए। सो ई इज प्रेजेंट इन ए बी सी डी, नो, तो वन इज एलिमिनेटेड। इट इज प्रेजेंट इन दिस ऑप्शन, नो, बट ऑप्शन नंबर टू एंड फोर हैव ई एज दी यू नो ट्रिब्यूटरीज। तो ओके, अब लेट अस पुट दिस ऑन होल्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट झेलम, यस, झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, वी नो इट। घटप्रभा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, घटप्रभा जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सी शुड बी एलिमिनेटेड एंड सी इज देयर इन ऑप्शन नंबर टू, सो इट विल बी एलिमिनेटेड। वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर फोर। सो फोर इज द करेक्ट आंसर, ए बी डी ई, बी सतलुज, झेलम एंड चेनाब। दिस इज हाउ यू यूज द एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग योर एनालिटिकल स्किल्स। बट इफ यू हैव क्रैम्ड इट, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एट ऑल। अगर आपने रट्टेबाजी करी है ना, तो रट्टेबाजी में क्या होता है, भूल जाते हैं। वेन यू क्रैम समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यू टेंड टू फॉरगेट इट इन द एक्चुअल एग्जाम, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेस इशूज इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बिकॉज यू नो फैक्चुअल टॉपिक्स लाइक ज्योग्राफी, स्टैटिक टॉपिक्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, दे ट्राई टू क्रैम इट, बट यू डू नॉट एवर फॉरगेट दैट क्रैमिंग विल नेवर हेल्प यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू and revising will help you. If you are cramming one or two times, it will not help you. But if you are revising what you have crammed already four times, then you will never forget it. तो अगर रट्टा लगा रहे हो but without revision of that रट्टा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी. So always remember, even if you are cramming, please revise. Without revision, you cannot answer these kind of questions. So here the fourth option is the correct answer. Another question with reference to Indus River system. Of the following four rivers, three of them pour into one of them, which joins the Indus directly. That means there are the three. These are the three rivers which gets poured into one of these rivers, which then directly flows into the Indus. Okay, so you have to identify this one. ठीक है, आइडेंटिफाई द वन दैट जॉइंस द इंडस रिवर डायरेक्टली। वो रिवर आपको आइडेंटिफाई करनी है जो इंडस रिवर को डायरेक्टली जॉइन करती है। सो विच वन ऑफ इट इज करेक्ट, जल्दी से बताओ। नाउ वी नो, देखो, व्हेन वी लुक एट द इंडस रिवर सिस्टम, वी नो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर हमको पता है दैट द इंडस रिवर इट कंप्राइजेज ऑफ झेलम, इट कंप्राइजेज ऑफ चेनाब, इट कंप्राइजेज ऑफ रवि, बीज और ब्यास और सतलुज एंड सतलुज। ओके, एंड वी नो दैट द बेसिन इज दिस इंडस रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय इंडिया ऑल्सो एंड पाकिस्तान ऑल्सो। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड स्मॉल शेयर ऑफ दिस इंडस रिवर इज शेयर्ड बाय चाइना एंड अफगानिस्तान ऑल्सो। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय चाइना एंड अफगानिस्तान ऑल्सो। नाउ वी नो ओवर हेयर दैट झेलम, यहाँ पर झेलम हो गया, ठीक है, एंड रवि, झेलम एंड रवि दे ज्वाइन चेनाब। किसको ज्वाइन करते हैं, ये चेनाब को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बेस जो है रवि, ब्यास जो रिवर है, ठीक है, दिस रिवर ज्वाइंस सतलुज, बीस रिवर ज्वाइंस सतलुज, एंड देन सतलुज एंड चेनाब, ये जो सतलुज रिवर है एंड चेनाब रिवर है, बोथ ऑफ देम ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म, राइट इट डाउन, पंजनाद। ठीक है, ये दोनों रिवर्स मिलकर ज्वाइन होकर कंबाइनिंगली पंजनाद रिवर बन जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड देन पंजनाद रिवर ज्वाइंस द इंडस रिवर डायरेक्टली। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट आंसर यू आर यू नो गेटिंग, द करेक्ट आंसर इज सतलज। हाउ, सी, झेलम एंड रवि दे टुगेदर ज्वाइन चेनाब, एंड चेनाब ज्वाइंस सतलुज, ओनली देन इट ज्वाइंस इंडस रिवर। ओके, सतलज इज द करेक्ट आंसर विच इज ज्वाइनिंग द इंडस रिवर एट द एंड। सतलज के बिना चेनाब पंजनाद कभी बन ही नहीं पाएगी। विदाउट सतलज चेनाब विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू पंजनाद रिवर। सो सतलज इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अनदर क्वेश्चन, श्योक रिवर ओरिजिनेट्स एट, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड दिस यू नो टॉपिक। श्योक रिवर कहाँ ओरिजिनेट करती है, रीमो ग्लेशियर, जेमो ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर और बाराशिगरी ग्लेशियर। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ए, रीमो ग्लेशियर। जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड ओवर हियर कि श्योक रिवर ओरिजिनेट्स एट रीमो ग्लेशियर, विच इज वन ऑफ द टंग्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, और विच इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर।
ओके, सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द श्योक वैली, वी नो दैट व्हेन वी लुक एट द वेजिटेशन एट श्योक वैली, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेटिव क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ओवर हियर? वी कैन ग्रो पोटैटोज, फ्रूट ट्रीज कैन बी सीन इन एट श्योक वैली, वीट, बार्ले ऑल्सो कैन बी ग्रोन एट द श्योक वैली. एंड श्योक रिवर वैलीज क्लाइमेट इज रिमेंबर ऑलवेज सेमी एरिड. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड रहता है, सो दैट मीन्स यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है दैट रिमेन्स स्पार्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पार्स? स्पार्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, बिकॉज विदाउट दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड ओके कि इस कॉन्सेप्ट का और इस टॉपिक का मतलब क्या है. सो स्पार्स का मतलब होता है वेरी इन शॉर्ट सप्लाई. ओके, तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन इज अ शॉर्ट सप्लाई. राइट इट डाउन, इट इज शॉर्ट सप्लाई. All right, or you can say very thinly dispersed or very thinly scattered. So, यहाँ पर the main right bank tributary of Shyok River is Nubra River. All right, and the length, total length of Shyok River is 550 kilometer. तो ये कश्मीर रीजन में पाई जाती है. It rises in the Karakoram range in the Remo Glacier and it flows generally northwestward. That means इस तरीके से north में, in the north and towards the west. ओके, एंड इट इज फेड बाय द मेल्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट ग्लेशियर्स. रीमो ग्लेशियर से तो ये ओरिजिनेट ही करती है, रास्ते में जितने ग्लेशियर्स पड़ते हैं उसके ग्लेशियर के पानी से इसका पानी और बढ़ता है इस रिवर का. एंड इट एंटर्स पाकिस्तान. ठीक है, इन द एरिया इज द गिलगित बाल्टिस्तान विच इज पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड एरिया. ओके, एंड देन इट ज्वाइंस द इंडस रिवर. दैट यू हैव टू रिमेम्बर. इतनी पॉइंट याद हो रहेगा आपको. बिफोर वी मूव अहेड, हैज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. Unacademy is going to conduct UPSC CSE Mega Combat tomorrow, 29th of May 2022 at 11 a.m. in the morning. It is a live scholarship test. You can enroll for free using the code ARPITA10. Ye code use karke aap easily free of cost enroll kar sakte ho. The link is given below in the description box. The best thing about it is that we are conducting a current affairs based special scholarship test for all of you. It will be based on the prelims mock test pattern only, and 250 lucky participants will win Amazon gift vouchers worth ₹10,000. After the test you will get the in-depth video solutions as well. Don't worry about it. लाइव टेस्ट है जो इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. डोंट वरी, यू विल गेन गुड मार्क्स इन दिस टेस्ट. दिस टेस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू टेस्ट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस टेस्ट लाइव टुमारो एट 11 एएम इन द मॉर्निंग. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट देर इज ऑन द यू नो श्योक रिवर वैली देर इज अ 32 मीटर स्टैचू ऑफ मैत्रेय बुद्धा फेसिंग डाउन द श्योक रिवर. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर वन्स पर्सपेक्टिव. आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ ऑन द श्योक रिवर वैली वी हैव द मैत्रेय बुद्धा स्टैचू. नाउ दिस मैत्रेय बुद्धा इज आल्सो नोन एज जंपा बुद्धा. मैत्रेय को जंपा भी बोलते हैं. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. इन 2017 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन केम ऑन द फ्यूचर बुद्धा. सो फ्यूचर बुद्धा है हमारे मैत्रेय बुद्धा. ओके, एंड द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस मोनास्ट्री ओवर हियर और दिस स्टैचू ओवर हियर इज टू प्रोटेक्ट द दिस्किट वैली. Now this Diskit Monastery or Diskit Gompa Monastery is also known as Gompa in Buddhism. It is built on the basis of Tibetan architecture and it is built on the Shyok River Valley only. The founder of this monastery is Changzem Serab Zhangpo, who is the disciple of Tsongkhapa. Tsongkhapa ne Gelugpa sect, जो टिबेटन बुद्धिज्म का गेलजुपा सेक्ट है या गेलजुपा ब्रांच है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड इट इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन द नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख. दिस अगेन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर. ओके, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. इसका पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन आर टेलीग्राम चैनल. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर. So this was all about the Shyok River tragic fall for UPSC CSE prelims that we studied today.